बवाल मच गया हूँ वहां उस दिन जब पता चला। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो, स्पष्ट बोल रही हूँ। तुम दिशा भटक गए हो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी वजह से मुझे उल्टी आ रही है। हाँ उल्टी तो आएगी, काय क्या देंगे, सोशल मीडिया में सिर्फ जहर ही तो उगलती है। नहीं 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 सारू के, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बहुत गड़बड़ है, भला जिस राज्य के गृह मंत्री फिल्म के बॉयकट में उलझे हो वहाँ से ऐसा ही जहरीला बयान आएगा ना, क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं। अच्छा हो अभी कैसे, ये संस्कारी पार्टी से जो ठहरी, और हाँ ये पिछले बार महात्मा गांधी पर भी टिप्पणी की थी, जिसके बाद मोदी जी ने कहा था कि वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कभी मन से माफ नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है, सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती है, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती, इसलिए ऐसा करने वालों को 100 बार आगे सोचना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने माफी मांग ली अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। वाह मोदी जी वाह वाह। अरे भाई प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जबान है या बिना ब्रेक का स्कूटी, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रुक जा। तो ऐसी पे एक यूजर लिखते हैं, इन भड़काव लोगों पर जरा से भी गुस्सा नहीं आता क्योंकि भड़काना इनका काम है, ऐसा नहीं करेंगे तो ये बेरोजगार हो जाएंगे, गुस्सा तो उन मूर्खों पर आता है जो इनकी बातों में आ जाते हैं। बात तो सही है। तो श्रीनिवास जी लिखते हैं, अब दिल से माफ कर भी दीजिए मोदी जी, आपके दिल की बात अपनी जुबान से बोल रही है। समझ रहे हो। तो यादव जी लिखते हैं, इस पर कोई कानून नहीं है, बीजेपी नेता है बोल सकते हैं, और अगर कोई दूसरा होता तो फिर बीजेपी स्टाइल। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया।